शहादत महसूस करता हूँ कि उलमा की जूतों के सबके मेरी कोशिश कर रहे हैं। फिर अल्लाह करीम ने बड़ी वाजह हिदायत आई है, आपको जरूर यकीन पता होगा, आप सब लोग कि जो कुछ पिछले साल और पिछले साल हुआ न उसके अंदर कमी कराएंगे हम न बेच कराएंगे। अगर पिछले साल कोई हुआ है तो वो अब भी होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ज़्यादती नहीं करेंगे, इस दफ़ा होने कुछ नहीं देंगे। ये एक दो हर की बात थी जो गवर्नमेंट ने वाजे हिदायत जारी कर, वो रिवायती है, वो लाइसेंस ही है, वो हुआ है तो अब भी होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा वो नहीं होगा। फिर बाद में सूरत हाल मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ और ख़ासतौर पर मुजूर मुल्क का उनके बेटे हसन हसन का तय दिल से मशहूर हूँ कि आप हमारे इतने लोगों का इंतज़ाम करते हैं, सलाम करते हैं, नुसरत करते हैं और इतने लोग आपके दस्तरखान पे मेरे तरफ काफले के लोगों का हाथ बढ़ता है। तो हदीस पाक में है कि जिस दस्तरखान में जितने हाथ बढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उतना रिस्क बढ़ा देते हैं। तो मुझे ये खुशी है कि जब भी मीटिंग में आते हैं तो पहली बात ये करते हैं कि जनाब हाफिज साहब रोटी सारे को खाएंगे, जनाब हम फिर आ रहे हैं आपके पास रोटी खाने के लिए, ज़रूर खाएँगे जनाब आपके पास रोटी, आपकी ज़िंदगी के लिए दुआ जो है। और बहुत खुशी की बात है, थोड़ी सी मेरी आपसे बात होगी, मैं मिन्नत के साथ कहूँगा उलमा को भी साथ मिला के, इन्हें भी साथ मिला के, इन्हें भी अपर तो सफाई की कोताही नहीं होगी, ना हम कल परसों इंशाल्लाह साथ से मिल लेंगे। आप एक मेहरबानी करते हैं दो रूम की जगह थोड़ा सा मैंशन करके कितना सब्जेक्ट का लिख दे मुझे ताकि मुझे दो दिन पर खुले सर मैं लिख देता हूँ। 6-7 साल हम कोशिश कर रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं, कह भी रहा हूँ, लेकिन वो एक बात मानने को तैयार नहीं है। मेरी अपनी गनिया जाती खुदा जानता है, कोई 1 साल 3-4 महीने होंगे उसमें ना झाड़ू वाला आता है ना नाली वाला आता है। मैंने कभी दरख्वास्त भी नहीं दी, मैंने कभी दरख्वास्त भी नहीं दी, कभी SHO साहब बैठे हैं 6-7 महीने हो गए इनको, उनसे पूछ लें किसी के खिलाफ झूठी मूठी दरख्वास्त या किसी को छुड़वाने गया हूँ। मैं अपनी जाती काम के लिए किसी के पास नहीं जाता। ये जो बात ये है कि जलूस का अपना जो रास्ता है वो हमारा हक भी बनता है, हम भी टैक्स गुजार है। नहीं नहीं आपका हक नहीं है, आपकी एक आपकी आवाज़ के साथ इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ मिलाते हैं वादन के जेरे मसाइले और कोशिश करते हैं आप लिख के हमें फौरी असमेंट दे दें। हमारे लिए है ये पूरे उच्च का मसला है, उच्च से मुराद ये है भी बुखारी महला जहाँ से रूट्स निकलते हैं जलूस के, या महला खाजगान हो गया या गिलानी महला हो गया, जहाँ से ये रूट्स हैं ये 3 लसंस हैं मेन, उनकी बिल्कुल सफाई नहीं है। ये सिर्फ एक महला खाजगान के रूट्स की नहीं है, बुखारी साहब बैठे हैं उनसे पूछे उनके रूट्स भी ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ से जलूस गुजरते हैं, चाहे वो मेन है। अच्छा सर मैं अपना सलाह कामना की इजाज़त से चंद कदम नाजिक मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। पिछली जो DC साहब के मीटिंग हुई थी वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो MD है वो भी किसी करते थे, उन्होंने ये फरमाया था कि ये जो कमिंग वीक है 14 अगस्त के बाद वाला कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो तहसील अहमदपुर के अंदर भी सर्व करेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको उनका शेड्यूल दे दूँगा कि वो कब से आप अपने बदले देंगे, अगर वो आ जाते हैं तो आपके सारे मसाइल सफाई के हाल वो अगस्त में आ रहे हैं। जी 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 इस हिसाब से भी हमारी 2 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने यकीन ध्यान ही कराया है कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें, इंशाल्लाह जब टाइम आएगा ये सफाई होगी, मगर आपको हम ले चले सदर बाजार में, आप चले वो जहाँ पे 5 जलूस इकट्ठे होते हैं, मतलब 7, 8, 9 और 10 SHO साहब बैठे हैं, DSP साहब, हमने सारे रूट के विजिट करे, पूछे इनसे बिल्कुल भी 0 है, कोई भी पोजीशन नहीं। आपकी बात मैंने आपको कहने का मकसद यही है, हमारा पैगाम जो है डिप्टी कमिश्नर साहब से पहुंचा रहे कि ये हालात है उसके, आप प्लीज मेहरबानी करिए, एक रूट का मसला नहीं है पूरे शहर का, पूरे शहर के मकसद है रूटों का मसला है।